हेलो बेटा यस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू भाई कोई मेरा लेक्चर मॉर्निंग में देखता है कोई इवनिंग में देखता है कोई नाइट में देखता है तो so, दोस्तों uh, पढ़ा आपने और मेरी आवाज़ क्लियर है क्या ऑडिबल है क्या बताइए मेरे मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू तो फुल आवाज़ है तो मैं क्लियरली ऑडिबल हो क्या पहली बात बताइए और दूसरा मुझे आंसर दीजिए कि आपने घर पे पढ़ाना क्योंकि कल का डिस्कशन जो था बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बेसिस पे हमारा आगे का डिस्कशन रहेगा तो मैं ये चाहता हूँ कि आप डेली बेसिस पे पढ़े तो डेफिनेटली इसका बहुत हेल्प होगा हमें यस yes, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी हाँ मैं लाइव हूँ मुझे ये बताइए सबको आवाज क्लियर आ रही है क्या गुड विराल आपने पढ़ा है यस yes, कुनाल ये लाइव क्लास चालू है और वो नौ बजे बाय मिस्टेक हो गया था बेटा मेरी टीम से मैंने छह बजे उसको करेक्ट किया था कल ही करेक्ट कर लिया था आज का सेशन वेरी गुड रवील रवि आवाज सबको क्लियर है चलिए मत मैं नई लिंक क्रिएट करके हम लेक्चर वापस कंटिन्यू करेंगे तो आपने कहीं जाना नहीं है आपने मेरे साथ बैठना है और मेरे साथ पढ़ना है ठीक है तो चलिए गुड बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं यहाँ हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते बेटा सबसे पहले तो मैं रिवीजन लूंगा हमने कल के इसमें क्या क्या देखा एक दे लेते हैं ठीक है आपको याद होगा तो हमने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल 265, याद आया यस नो टैक्स शाल बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर दिटी ऑफ लॉ उसके बाद में आर्टिकल 245 पावर देता है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे लॉ बनाती है और आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स शेड्यूल सेवन ये आपको पावर देता है कि टोटल थ्री लिस्ट होती है तो कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बना सकता है उसका uh, यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करता है हमारा लॉ है कस्टम्स कस्टम्स की सोर्स एंट्री चलो कस्टम्स की सोर्स एंट्री क्या है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलो बोलो जल्दी कस्टम्स की सोर्स एंट्री क्या है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फटाफट बोलो हम्म चलिए आप आंसर देती जाइए तो मैं ये मानूंगा कि आप इन्वॉल्व हो अरे नहीं कुनाल आर्टिकल 246 कस्टम्स की सोर्स एंट्री नहीं है एंट्री नंबर 83 है हाँ आर्टिकल 246 के थ्रू सोर्स एंट्री लिस्ट वन लिस्ट वन एंट्री नंबर 83 ये कस्टम्स की सोर्स एंट्री है चलिए उसके बाद में हमने कस्टम्स एक्ट 1962 स्टार्ट किया था जिसमें कुछ मैंने डेफिनेशन ली थी कन्वेंस की डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो कन्वेंस की डेफिनेशन मैंने लिया था उसके बाद में व्हीकल की डेफिनेशन ड्यूटीबल गुड्स की डेफिनेशन लेकिन हमने मेन हमारे जो चार्जिंग सेक्शन है उसके ऊपर फोर्स किया था क्योंकि मैं ये मानता हूँ कोई भी लॉ अगर आपको पढ़ना है तो पहले उसका जो चार्जिंग सेक्शन है लेवी का कौन से इवेंट्स पे होती है ये जानना बहुत जरूरी है तो ऐसे केस में यहाँ पे ओके okay,

फिलहाल तो दूसरा कोई लॉ है नहीं तो कस्टम टैरिफ एक्ट के थ्रू ही जहां तक है यहां कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी उसके बाद में लेवी जो है सॉरी कस्टम ड्यूटी रेट आएंगे कस्टम ट्रिफैक्ट के थ्रू और उसके बाद में लेवी जो है बेटा किसके ऊपर है गुड्स पे गुड्स ये प्राइमरी इवेंट है और आपके नॉलेज के लिए बता दूँ अगर सर्विस सर्विस इंपोर्ट होती है तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स पे है अगर सर्विस इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है जिसके बारे में हम जीएसटी में डिटेल में बात करेंगे उसके बाद में गुड्स गुड्स यानी क्या हमने इसकी डेफिनेशन बहुत डिटेल में देखी सेक्शन 222 ट्वेंटी टू जो बात करता है गुड्स से रिलेटेड गुड्स इंक्लूड्स क्या वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल, स्टोर्स, बैगेज करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी उसे गुड्स कहा जाता है ना यहाँ पे वेसल एकड़ा व्हीकल गुड्स में लेने का ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर कोई भी यहाँ शिपिंग कंपनी एयरलाइन कंपनी या कोई प्राइवेट अपना प्लेन वगैरह परचेस कर रहा है या अपनी शिप क्रूज शिप परचेस कर रहा है बोट परचेस कर रहा है और बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो पहली बार इंडिया में रजिस्ट्रेशन के पहले उसको कस्टम्स क्लियरेंस करवाना पड़ता है और उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी पे करनी पड़ती है मैं ये चाहूँगा कि आप अगले दस पंद्रह मिनट जो है पूरा ध्यान दो ओके okay, पूरा ध्यान दो घर पे नहीं भी पढ़ा होगा तो आप अगर ध्यान दोगे तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा आपका और मेरे साथ आपका रिविजन हो जाएगा बेटा ठीक है तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल लेकिन जब ये कन्वेंस बन जाता है ओके फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर तो फिर कस्टम ड्यूटी नहीं लग आती है क्योंकि वो जो है फिर वो गुड्स ट्रांसपोर्ट आना जाना चलता रहता है इंडिया में पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है और वैसे भी अगर आपको एक केस याद होगी अपार इंडस्ट्री लिमिटेड या गार्डन से लिमिटेड कस्टम ड्यूटी सिर्फ टोटल वाटर क्रॉस करने से नहीं लगती है जब उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पन तो ही वो सिचुएशन में कस्टम ड्यूटी लगती है दूसरा बेटा स्टोर्स स्टोर्स के बारे में भी बेटा ऐसा है कि जो पैसेंजर्स या क्रू मेंबर्स की यूटिलिटी के लिए गुड्स होते हैं जितने भी मूवेबल गुड्स होते हैं वेसल और एयरक्राफ्ट में आई रिपीट जितने भी मूवेबल गुड्स होते हैं वेसल और एयरक्राफ्ट में उसे स्टोर्स माना गया कल मेरा एक पॉइंट रह गया जो मैं अभी आपको समझा देता हूँ बेटा जब स्टोर्स की डेफिनेशन देखी आपने तो स्टोर्स की डेफिनेशन में वेसल और एयरक्राफ्ट कवर किया है मतलब क्या यहाँ पे व्हीकल कवर नहीं किया है आई रिपीट व्हीकल कवर नहीं किया है मतलब बाय ट्रेन अगर पाकिस्तान से कोई ट्रेन आ रही है या फिर समझ लो यहाँ बांग्लादेश से कोई ट्रेन आ रही है और उसके अंदर स्टोर्स होंगे तो वो जो स्टोर्स होंगे उसके अंदर जो गुड्स होंगे वो स्टोर्स नहीं माने जाएंगे सर इसका इम्पैक्ट क्या अगर इसमें सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट कवर किया है और वो व्हीकल कवर नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट क्या बताता हूं आगे एक चैप्टर आता है स्टोर चैप्टर मैं लूंगा वो स्टोर चैप्टर में बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं मतलब यहाँ पे स्टोर्स कंज्यूम होते हैं ट्रांजिट होते हैं ट्रांसशिप होते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं स्टोर्स पे उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी उन्होंने कलेक्ट नहीं किया है माफी दी है बहुत सी जगह उस बहुत नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में बेटा ओके इसका मतलब ये आता है कि जो वेसल के स्टोर्स है एयरक्राफ्ट के स्टोर से जिसकी ओनर जो है शिपिंग कंपनी है या एयरलाइन कंपनी है उनको ही बेनिफिट मिलेंगे अगर वो सब कंडीशन फुलफिल करते हैं आगे में सेक्शन एटी से लेके तो सेक्शन तक चैप्टर पढ़ा और सभी बेनिफिट आपको होगा और उसका सेकंड मीनिंग ये आता है कि अगर आप बाय व्हीकल ला रहे हो सुनो आपको लिखना होगा तो लिख देना अगर बाय व्हीकल ला रहे हो और उसमें कोई गुड्स होगा तो वो स्टोर्स में कवर नहीं होता है अगर वो स्टोर्स में कवर नहीं होता है मतलब उसको मिलने वाले बेनिफिट्स जो है सेक्शन 85 से लेके आई रिपीट ओके okay, सेक्शन 85 से लेके तो सेक्शन 91 तक उसको जो मिलने वाले बेनिफिट है वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो ओके okay, आपको नोट डालना है तो डाल देना ओके गुड्स यूज इन व्हीकल नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टोर्स आई रिपीट गुड्स यूज इन व्हीकल गुड्स यूज इन व्हीकल नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टोर्स आप ये नोट डाल सकते हो बेटा तो ये हमने स्टोर्स की डेफिनेशन देखी उसके बाद में बेटा बैगेज बैगेज इंक्लूड्स अन बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल बट जनरल मीनिंग ऑफ बैगेज क्या क्या ठीक है बैगेज क्या इंक्लूड होता है और बैगेज में क्या एक्सक्लूड होता है वो तो सब ठीक है पर जनरल मीनिंग क्या तो, है तो जनरल मीनिंग है बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रेवल मतलब आपकी जो बैग्स है ट्रंक्स है पर्स है जो पहन के आ रहे हो जो भी बिलोंगिंग्स है आपकी जिसके आप साथ में चल रहे हो वो बैगेज माना जाएगा मोटर व्हीकल छोड़ के और बैगेज में जितने भी गुड्स लाए कोई भी गुड्स आप लाओ वो एक सिंगल रेट से चार्जेबल होता है थर्टी और कुछ गुड्स जो है हंड्रेड प्लस सोशल वेल्फे वेलफेयर सरचार्ज उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगता है उसके बाद में बेटा कि अनअकंपनी बैगेज कभी कभी आप पहले आ गए और बैगेज बाद में आई आई रिपीट आप पहले आ गए और बैग बैगेज बाद में आई तो जो अनअकंपनीड बैगेज है उस पर भी आप ये बेनिफिट क्लेम कर सकते हो वो अनअकंपनीड बैगेज पर बेनिफिट क्लेम करने का मतलब ये है कि कुछ अमाउंट तक आपको फ्री अलाउ किया है कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है तो यहाँ Uh, अगर उतने लिमिट तक आपका होगा और वो बाद में भी, भी आया होगा तो आप जो है उसके ऊपर बेनिफिट क्लेम कर सकते हो उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल बैगेज के डेफिनेशन में नहीं आता है दोस्तों उसके बाद में करेंसी एंड निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट अब करेंसी और निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट पर टैरिफ में जाके देखो तो टैरिफ में जो रेट दिए गए हैं वो नील रेट है करंसी और निगोशियबल रूप में क्योंकि लेवी इधर होती है पर रेट आपके टैरिफ से आते हैं और वहां नील रेट है लेकिन जस्ट फॉर डिक्लेरेशन पर्पज कि बाहर से कोई इंडिया में आ रहा है तो वो अपनी करंसी डिक्लेयर करे या निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट या इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो कितना करेंसी लेके जा रहा है फॉरन करेंसी ये डिक्लेरेशन पर्पज के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई चेक होगा या कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो डिक्लेयर करने के लिए बेटा यहाँ पे जो है इन्होंने करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुड्स के डेफिनेशन में लाकर उसके ऊपर लेवी क्रिएट काइंड ऑफ मोवल प्रॉपर्टी

फिजिकली गुड्स इंडिया में होना चाहिए फिर वो एक्चुअली गिफ्ट हो परचेस हो सेल हो उससे लेना नहीं हमको सिर्फ दो बातें देखनी है गुड्स विच आर इम्पोर्टेड इम्पोर्ट का सिंपल थिंग विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कोगनट एक्सप्रेशन सेक्शन टू में डिफाइन किया है और सेक्शन टू कहता है इम्पोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस क्या आउटसाइड इंडिया तो यहाँ पे इंडिया का डेफिनेशन कस्टम custom, पूरे कस्टम्स के लिए इंडिया का डेफिनेशन जो है इंडिया इंक्लूड्स टोटल वाटर ऑफ इंडिया तो और आपका टैक्सेबल इवेंट क्या होता है अगर आप ये दो सेक्शन पढ़ते हो बेटा तो ये दो सेक्शन में आपका जो टैक्सेबल इवेंट है वो टैक्सेबल इवेंट है जब आपका गुड्स टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देगा तब इंपोर्ट कहा जाएगा और लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपार इंडस्ट्री लिमिटेड और सेकेंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गार्डन सेल लिमिटेड ने यहाँ पे जो है इस चीज को पूरा लॉ का ऑब्जेक्ट समझ के उसको एक्सप्लेन किया क्योंकि स्ट्रिक्टली अगर हम टेरिटोरियल वाटर का लेवी फॉलो करें तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी तो ऐसे केस में यहाँ पे कि अपार इंडस्ट्री लिमिटेड या गार्डन मिल लिमिटेड में, में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि देखो भाई इम्पोर्टेश टेरिटोरियल वाटर जब क्रॉस होता है तो जब इम्पोर्टेशन ऑनली कमेंस होता है वो तो कंटिन्यू और कंप्लीट तो तब होता है जब गुड्स वो इंडिया का पार्ट बन जाता है अब बताओ गुड्स कब इंडिया का पार्ट बन जाता है जब उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करके आप हार्गर

देखो ध्यान से सुनना होम कंजम्पन कह रहा हो मतलब डायरेक्ट बिल ऑफ एंट्री जो पोर्ट पे डाली गई आपके आपने पैसा दिया और पोर्ट से आपने क्लियर कर लिया और जब मैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्प्शन फ्रॉम वेयर हाउस कह रहा हूं तो मतलब वेयर हाउस पे आप होम कंजम्प्शन डाल रहे हो तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है तो दूसरा बेटा वेयर हाउसिंग कभी कभी क्या होता है इंपोर्टर को अपना गुड्स क्लियर नहीं करवाना है ध्यान से सुनो क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उसके पास पैसा नहीं है या फिर वो वेयरहाउसिंग फैसिलिटी लेना चाहता है वो पैसा एंगेज नहीं करना चाहता है तो गवर्नमेंट ने एक साल का वेयरहाउसिंग फैसिलिटी दिया है और वेयरहाउसिंग चैप्टर जो है ओके सी डब्ल्यू ए और सी एस के लिए सेपरेटली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा सी ए फाइनल से सिलेबस से, से एक्सक्लूड किया गया है तो चलो कोई बात नहीं बेसिक डिस्कशन तो हम कर लेते हैं तो बेटा वो सिचुएशन में बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करना पड़ेगा और उसके साथ आपको बॉन्ड देना पड़ेगा और कितने अमाउंट का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा यानी सिक्योरिटी कितने अमाउंट की देनी पड़ेगी

और उतने क्वांटिटी पे आप ड्यूटी देके क्लियर करोगे जितने भी आप क्लियर कर रहे हो तो अब वेरहाउस के केस में टैक्सेबल इवेंट कब आएगा तो वेरहाउस के केस में टैक्सेबल इवेंट सेकंड बिल ऑफ एंट्री पे आता है जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयरहाउस तो उस पर जो है टैक्सेबल इवेंट आता है और रेट भी उसी दिन के लिए जाते हैं इसलिए यहाँ पे एक्चुअल आपको जब आप पहली बिल ऑफ एंट्री डालते दा, हो वेयरहाउसिंग तब नहीं ओके आपका जो सेकंड बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन है उस दिन के रेट लिए जाते हैं दोस्तों ठीक है तो अब ये दो बिल ऑफ एंट्री जो वेयरहाउसिंग में

तो ये हमने यहां ओके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ ये पढ़ा था फिर बेटा एक इंपॉर्टेंट कि इंपोर्ट इंपोर्टेड गुड्स और इंपोर्टर इंपोर्टर तो इंपोर्ट यानी क्या इंपोर्टेड गुड्स यानी क्या और इंपोर्टर यानी क्या इंपोर्ट ये फंक्शन है फंक्शन है क्रिया है मतलब क्या ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं इंपोर्टेड गुड्स यानी क्या तो गुड्स कोई भी गुड्स मतलब क्या वेसल वहीकल एयक्राफ्ट स्टोर्स बैगेज और निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मोएबल प्रॉपर्टी तो गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया उसे इंपोर्टेड गुड्स कहा जाता है लेकिन एक बात का ध्यान रखना इंपोर्टेड गुड्स डज नॉट इंक्लूड दैट गुड्स विच हैव बीन क्लियर फॉर होम कंजशन अगर कोई गुड्स यहां पे हो जाता है तो उसे इंपोर्टेड गुड्स नहीं माना जाएगा इज इट क्लियर और इम्पोर्टर इम्पोर्टर पहले टाइमिंग यह टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है तो कोई भी गुड्स से रिलेटेड इंपोर्टर किसे कहा जाता है तो इंपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम फ्रॉम देयर इंपोर्टेशन मतलब क्या ओके इंपोर्टेशन कब स्टार्ट होता है टेरिटोरियल वाटर तो फ्रॉम एनी टाइम ऑफ देयर इंपोर्टेशन गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्शन तो टेरिटोरियल वाटर से जब तक गुड्स इंडिया में क्लियर नहीं होता है इस टाइम के बीच मेंसन होल्डिंग एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द ओनर का या एग्जाम्पल लू तो हाईसी सेल हाईसील सेल में अगर ओनर बदल गए डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ट्रांसफर हो गए तो वो सिचुएशन में जिस, जिसके पास टाइटल है वो यहाँ पे इंपोर्टर माना जाएगा तो ये हमने देखा था रिगार्डिंग टू तो इंपोर्ट उसके बाद में एक्सपोर्ट। तो कस्टम ड्यूटी की लेवी इंपोर्ट पे नहीं आती है पर आएगा क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है बेटा तो सभी गुड्स पे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी इसलिए गुड्स पे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है चलो जितने भी गुड्स पे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी दू, दू, लगा रही है उसकी लेवी कब होगी तो यहां सेक्शन 218 कहता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया आई रिपीट टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया मतलब जब आ, एक्सपोर्ट तब बोला जाएगा जब आपका गुड्स इंडिया के बाहर चले जाएगा मतलब जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो जाएगा तब एक्सपोर्ट बोला जाएगा और यहां पे राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग लिमिटेड का एक केस था ओके क्या हुआ कि वेसल संघ बिफोर क्रॉसिंग द टेरिटोर

तो वह ऐसे सिचुएशन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में टैक्सेबल इवेंट बहुत अलग अलग है इंपोर्ट के केस में जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ उस दिन सिर्फ कमेंस होता है आपकी लाइबिलिटी तो तब आती है जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो और एक्सपोर्ट के केस में जब आप अप्लीकेशन देते हो जिसे शिपिंग बिल कहा जाता है उस उस दिन ले भी नहीं जिस दिन आपको ऑर्डर मिलती है फॉर लोडिंग उस दिन भी नहीं और एक्सपोर्ट के, के केस में जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा तभी एक्सपोर्ट माना जाएगा और आपका टैक्सेबल इवेंट आएगा तो ये बात का आपको ख्याल रखना उसके बाद में बेटा मैं एक्सपोर्ट के केस में यहाँ हमने एक्सपोर्ट का मीनिंग देखा उसके एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्टेड गुड्स ये वर्ड मैं लेना चाहता हूं और एक्सपोर्टर ठीक है देखो ये चार वर्ड ध्यान से देखना ओके यहां पे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्टर

तो देखो ये वर्ड को ध्यान से सुनना एक्सपोर्ट गुड्स मतलब गुड्स विच आर टू बी टेकन टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया जिसको ले जाना है वो एक्सपोर्ट गुड्स कहा जाएगा और एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब क्या बेटा एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब जो जा चुका है जिसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया है उसे एक्सपोर्ट गुड्स कहा जाएगा तो एक्सपोर्ट गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स में फर्क है एक्सपोर्ट गुड्स मतलब जिसे ले जाना है टू बी टेकन टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया और एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब जो जा चुका है और एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर किसे कहा जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी टू पे एक्सपोर्ट ड्यूटी

Honor, उसे यहां पे एक्सपोर्टर कहा जाएगा क्लियर तो ये था रिगार्डिंग टू बेटा यहां पे एक्सपोर्ट गुड्स और हमने राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स लिमिटेड का केस भी देखा है अब मैं वापस सेक्शन ट्वेल्व पे आता हूं सेक्शन ट्वेल्व क्या कहना चाहता है अगर हम ये पेज पे आते हैं सेक्शन ट्वेल्व के तो देखो सेक्शन ट्वेल्व का सबसेक्शन वन तो हमारा हो गया अब सबसे टू पे आता हूँ सबसेक्शन टू क्या कहता है प्रोविजन ऑफ सबसे वन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एज इफ दे इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स नॉट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट अब मुझे ये बताओ ये एक्ट किसने बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही कुछ गुड्स इम्पोर्ट कर रही है डी गुड्स इम्पोर्ट कर रही है या अपने पर्पज के लिए गुड्स इम्पोर्ट कर रही है तो एक सवाल आएगा कि भाई जिसने ये लॉ बनाया क्या वो अपने ही गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगाएगा यस yes, बेटा सबसेक्शन टू ये क्लियर करता है कि यस yes. ओके okay. जिसने ये लॉ बनाया वो अपने ओके okay. तो जिसने यहां लॉ okay, बनाया है वो अपने ही गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगाएगा ओके okay. इसलिए ये सबसेक्शन टू ये कहता है प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन वन शाल इन रिस्पेक्ट ऑफ शाल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एज दे अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स नॉट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट याने के okay, यहां कस्टम ड्यूटी अगर गुड्स गवर्नमेंट का नहीं होता तो जिस तरह से कस्टम ड्यूटी लगती वैसी गवर्नमेंट गुड्स पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी ओके okay, यानी गवर्नमेंट के गुड्स भी एट पार ट्रीट किए जाएंगे गवर्नमेंट के गुड्स पे भी कस्टम ड्यूटी लगेगा ये सबसेक्शन टू तो कहता है सबसेक्शन टू तो कहता है क्लियर ठीक है तो अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा कि गवर्नमेंट गुड्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वगैरह क्या इनके गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है तो आपको आंसर देना है यस yes. इनके भी गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है ओके एज पर सेक्शन ट्वेल्थ सब सेक्शन टू यानी कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि भाई गवर्नमेंट ने बनाया हुआ लॉ है तो ये गवर्नमेंट ने अगर लॉ बनाया हुआ है तो क्या वो अपने ही गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगाएगी क्या तो यस yes. ओके okay. उनका ये लॉ वो वो गुड्स को भी लॉ करता है ठीक है तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी पहली बात तो बेटा विरल एक्सपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है अभी से क्लियर कर लो एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल होती है और मैं वो सब बाद में बताऊंगा टाइम लिमिट क्या है अभी तो हम हमारा पूरा फोकस जो है लेवी पे होना चाहिए एक लास्ट केस में जस्ट आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये आपको मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको ठीक है तो ये केस जो मैं समझाने जा रहा हूँ ओके ये ध्यान से देखो मुझे बताओ इंडिया India और इंडियन कस्टम वाटर इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं चलो फटाफट डोंट बी ए डम बी एक्टिव इन दिस क्लास इंडिया और इंडियन कस्टम वाटर में क्या डिफरेंस है दूसरे वे आप से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं क्या इंडिया 200 हंड्रेड नॉटिकल माना गया है या इंडिया टेरिट्रियल वाटर तक ही माना गया फॉर कस्टम पर्पज फॉर कस्टम पर्पज चलो पहला निश्चल का आंसर है वेरी गुड निश्चल दूसरा आयुष काया और इंडियन कस्टम वाटर अप टू 200 हंड्रेड नोटिकल मैं फिर से बता देता हूं इंडिया जो है बेटा 12 नोटिकल माइस तक माना जाएगा इंडिया इन, हमारे पे कस्टम ड्यूटी आएगी या नहीं आएगी ओके okay, वो स्टार्ट यहां से या इस पे डिसाइड होगा कि उसने टोटल वाटर क्रॉस किया है क्या लेकिन कस्टम्स डिपार्टमेंट की पावर आई रिपीट कस्टम डिपार्टमेंट की पावर 200 हंड्रेड नोटिकल्स माइज तक है ओके okay, यहां तक वो ओके okay, स्मगलिंग के केस वगैरह फॉलो कर सकते बहुत बहुत अच्छी बात ओके okay, बहुत से स्टूडेंट आंसर दे रहे आई नीड दिस एक्टिवनेस इन दिस क्लास ओके अगर मैं ये स्टार्ट के कुछ लेक्चर का लाइव स्ट्रीमिंग ले रहा हूँ तो बस इसीलिए ले रहा हूँ कि मुझे आप इन्वॉल्वमेंट चाहिए 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 ठीक है तो ये था रिगार्डिंग टू बेटा कि यहां पे 200 तक जो है हंड्रेड नोटिकल माइल्स डिपार्टमेंट की पावर होती है तो अब आपसे एक सवाल है सभी है ना। और मुझे समझ लो यहां पे एक्सट्रैक्शन चल रहा है ठीक है यहां एक्सट्रैक्शन चल रहा है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स ऑफ मिनरल ऑयल ठीक है और यहां से एक्सट्रैक्ट होके पाइपलाइन के, के थ्रू इंडिया में आ रहा है ओके okay. ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ठीक है और यह एक्सट्रैक्शन हुआ और पाइपलाइन के थ्रू वो जो है इंडिया में आ रहा है ओएनजीसी का है रिलायंस इंडस्ट्री का है और यह पाइपलाइन के थ्रू इंडिया में आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है और इंडिया में आ रहा है तो मेरा सवाल आपसे यह है तो क्या यह सिचुएशन में कस्टम ड्यूटी लगेगा क्या कस्टम ड्यूटी की लेवी होगी क्या फटाफट बताओ कस्टम ड्यूटी की लेवी होगी क्या मैं आंसर वेट कर रहा हूं आपका निशा दिशा ने आंसर दिया यस आयुष ने भी यस सभी ने यस दिया और हेमंत तो कहता है ऑफकोर्स ओके कस्टम ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी चलो यस yes बेटा पहले तो बात बताओ ओके okay. हमारा कस्टम ड्यूटी की लेवी अगर डिसाइड करना है तो हमारा लिमिट होता है टेरिटोरियल वाटर और ये टेरिटोरियल वाटर से डिसाइड करना पड़ता है कि कस्टम ड्यूटी लेवी होगी या नहीं होगी तो अगर मैं ओके इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुड्स ला रहा हूं तो वो भी टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो रहा है और ब्रिंगिंग इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तो उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी ऑब्वियसली आपका आंसर सही है लेकिन बेटा जो यहां एक्सट्रैक्शन हो रहा है और सप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है या पहले एक्साइज भी लगता था एक्साइज आगे

कस्टम्स में इंडिया आई रिपीट उसके लिए कस्टम्स में इंडिया ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स नहीं टू हंड्रेड नोटिकल माइस तक माना जाएगा तो ऐसे तो कस्टम में इंडिया ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स ही माना जाएगा लेकिन यहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और गैसेस एंड सप्लाई देर ऑफ इसके लिए इंडिया जो है इसका स्पेशल नोटिफिकेशन है कस्टम में ओके इसके लिए जो इंडिया है वो 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक माना जाएगा बेटा तो ये जो 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक यहाँ इंडिया माना गया ओके इसका मतलब हमने इंडिया में ही एक्सट्रैक्ट किया और लाया अब अब इसके लिए जो ब्रिंगिंग इन इंडिया हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा ब्रिंकिंग इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस क्या आउटसाइड इंडिया तो इसके ब्रिंगिंग इन टू इंडिया यहां पे हो जाएगा आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं वैसे तो इंडिया सभी गुड्स के लिए 12 नॉटिकल माइल्स लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल और गैसेस के लिए ये 200 नॉटिकल नोटिकल तक माना जाएगा इसलिए इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी क्योंकि ये विद इन इंडिया एक्सट्रैक्ट हुआ हाँ जो जीएसटी और एक्साइज है वही लगेगा तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन question आपको क्वेश्चन ईर में मिलेगा और नोटिफिकेशन नंबर के साथ आपको मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं रखना है पर यह आपको मिल जाएगा तो इस तरह से हमारी पहला चैप्टर जो है लीवी इसके ऊपर रिवीजन खत्म हुई दोस्तों तो मुझे ये बताइए यहां पे कोई डाउट या क्वेश्चन मैं दो मिनट रुकता हूं फिर आगे कंटिन्यू करता हूं यस yes. कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो चलिए आगे बढ़े बेटा बुक्स वगैरह तो अब कल ही डिस्पैच हो गई है दे आपको आ जाएगी अगर आपका एरिया सर्विसेबल एरिया होगा तो जल्द ही मिल जाएगी आपको चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक विराल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन वो ये है बेटा कि स्टोर गुड्स इन अ व्हीकल व्हीकल में पैसेंजर यूटिलिटी के लिए व्हीकल में पैसेंजर यूटिलिटी के लिए कोई भी गुड्स लाया तो उसे स्टोर्स नहीं माना जाएगा अगर उसे स्टोर्स नहीं माना जाएगा तो सेक्शन 85 से लेके तो सेक्शन 91 तक ओके okay, जो भी बेनिफिट्स कस्टम में दिए हैं स्टोर्स पे वो बेनिफिट उसे नहीं मिलेगे और उस पर पूरी कस्टम ड्यूटी आएगी और इसके ऊपर मैं स्पेशल डिस्कशन करूंगा एटी से सेक्शन 91 में डिटेल में पड़ोगा डोंट डोंट तो यहाँ पे ओके आई होप अभी इतना ही एक्सप्लेनेशन आप समझ लो ओके okay, जो मैंने दिया हुआ है ठीक है डन चलिए चैप्टर नंबर टू इम्पोर्टेशन एक्सपोर्टेशन प्रोसीजर अब ये चैप्टर जो है बहुत से यहाँ पे फैकल्टीज uh, जो है यहाँ एंड में लेते हैं ये चैप्टर मैं ये स्टार्ट में इसलिए लेता हूँ ये अपुन का स्टाइल है ठीक है ये स्टार्ट में मैं बेटा इसलिए लेता हूँ यहाँ पे कि मैं ये मानता हूँ कि ये चैप्टर में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन यूज हुए हैं अगर इसका आपको नॉलेज है और जो कंप्लीट प्रोसीजर कस्टम्स की होती है इसका अगर आपको नॉलेज है तो इसके बाद के सभी चैप्टर समझना बहुत ईजी है और पिछले सोलह साल से ओके मैं ये चैप्टर नो डाउट बेटा ये चैप्टर पूरा एनिमेटेड पढ़ा होगा एक एक बात आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप इंजॉय करोगे इसमें बहुत सारी डेफिनेशन हम देखने वाले हैं एज वेल एज़ हम पूरी कंप्लीट इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर यहां okay, uh, uh, पढ़ते पढ़ते किसी को नींद आए पहली बात तो नहीं आएगी मैं गारंटी देता हूं क्योंकि मैं पूरा एनिमेटेड पढ़ाने वाला हूं लेकिन अगर किसी को नींद आए ना तो बस दो मिनट संभालना आपने बाद में मैं देख लूंगा क्या करना है ओके okay, तो सिर्फ दो मिनट कंट्रोल कर लेना बाद में मैं संभाल लूंगा आपको तो ऐसे सिचुएशन में आ,

अगर आपको याद होगा आई रिपीट अगर आपको याद होगा तो ये जो है मैंने डायरेक्ट सेक्शन ट्वेल्व से स्टार्ट किया था ठीक है पहले वाले सेक्शन पेंडिंग है तो पहले वाले सेक्शन मतलब थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसमें से सेवन जो है बेटा वो तो उन्होंने इंस्टीट्यूट ने एक्सक्लूड कर दिया है आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्सक्लूडेड और नाइन भी एक्सक्लूडेड और सेक्शन थ्री फोर फाइव पावर ऑफ कस्टम्स ऑफिसर ये भी यहाँ पे थ्री फोर फाइव सिक्स ये भी एक्सक्लूडेड ठीक है यानी हमारे सिलेबस में नहीं है सी ए फाइनल के जो सी एम ए कर रहे हैं या सी एस कर रहे हैं मैं सेपरेटली कवर करूंगा तो ये भी जो है आप लिख सकते हो यानी हमें एट टेन इलेवन भी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेबस लिखना है तो लिख सकते हो ये जानबूझ के मैंने लिया क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप करके परेशान कर देते हैं सर ये सेक्शन तो आपने लिया ही नहीं ये तो एक्ट में है इसलिए मैं लिख कर लिख कह रहा हूँ कि ये एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस ठीक है उसके बाद में इम्पोर्ट प्रोसीजर यहाँ इम्पोर्ट प्रोसीजर में पढ़ाऊंगा सेक्शन ट्वेंटी से लेके तो यहाँ पे सेक्शन 49 में सीक्वेंस में नहीं है पर प्रोसीजर सीक्वेंस में है इसलिए ये चैप्टर में आपको होगा उतने ही सेक्शन नंबर के साथ आपको याद रखना है जैसे सेक्शन 46 वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है और सेक्शन 46 और 47 ये दो सेक्शन जो है आपको याद रखना ही रखना है ओके और उसके बाद में फोर्टी अगर ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है सेक्शन नंबर लेकिन ये पूरी प्रोसीजर लिंक में है बेटा मैंने पूरी लिंक में ये प्रोसीजर ली है यहां पे उसके बाद में अगर आप इंपोर्ट होगी

बढ़ेगा और मैं ये आपको ड्रॉ करने लगाऊंगा बेटा यहां पे आपको याद होगा तो यहां सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन ट्वेल्व जो है ये लेवी क्रिएट कर रहा है पूरा फ्लो में कस्टम बहुत मजा आता है ये लेवी क्रिएट कर रहा है तो इंपोर्ट की लेवी जो कंसेप्ट है कब लेवी कब आएगी मैंने ऐसा क्या कर दिया क्या मुझ पर कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो तो लेवी जो है कब आएगी ये तो हमने देख लिया लेकिन अब इसके आगे इसकी प्रोसीजर क्या है यानी जब एक गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट की कंप्लीट प्रोसीजर क्या है यह चैप्टर में पढ़ा होगा ओके एक्सपोर्ट की क्या कंप्लीट प्रोसीजर है यह मैं चैप्टर में पढ़ा होगा यानी अब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा लेवी तब आती है पूरी प्रोसीजर क्या फॉलो करना है क्योंकि वन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कस्टम एक्ट इज टू रेगुलेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर यानी इंपोर्ट की प्रोसीजर रेगुलेट करना एक्सपोर्ट की पुरी रेगुलेट करना, ये है, में ये जो है हमें बहुत अच्छे से समझना है कौन सा करना है वो मैं आपको बता दूंगा okay. लेकिन प्रोसीजर पूरी आपको अच्छे से पता होना जरूरी है ठीक है तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर चैप्टर टू में hmm. नेक्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है डेफिनेशन है कस्टम्स एरिया कस्टम्स स्टेशन कस्टम पोर्ट कस्टम्स एयरपोर्ट और इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल्स स्टेशन ऑफ़ पोस्ट ऑफिस और इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल्स प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले मैं ये मानता हूं कि ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए कस्टम्स एरिया किसे कहा जाता है कस्टम स्टेशन किसे कहा जाता है ये जो है ओके आपको बहुत क्लियर होना चाहिए एग्जाम में मुझे नहीं लगता पूछेंगे इसके ऊपर लेकिन ये वर्ड्स के मीनिंग क्या है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसके लिए हम यहाँ पे पहले पूरा एनिमेशन देखेंगे ये पीपीटी पर से मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा बेटा ठीक है सबसे पहला डेफिनेशन सेक्शन टू अलेवन में ध्यान से सुनो सबसे पहला डेफिनेशन सेक्शन टू एलेवन में कस्टम्स एरिया इस एक्ट में जब भी कोई सेक्शन में जब वर्ड आएगा कस्टम्स एरिया तो कस्टम्स एरिया का आपको क्या वो, वो मीनिंग मतलब जानना है ठीक है तो कस्टम्स एरिया में यहां अगर हम देखें तो कस्टम्स एरिया मीन्स एंड इंक्लूड्स दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कस्टम्स एरिया मीन्स क्या कस्टम्स स्टेशन अगर आप मेरे साथ बुक देखते जाओ पहले ये पूरा पूरा आप समझ लो एनिमेटेड फिर हम बुक से देखेंगे कस्टम्स एरिया मींस कस्टम स्टेशन अब कस्टम स्टेशन क्या होते हैं मतलब है, और इंटरनेशनल टर्मिनल कस्टम एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन मेजर तीन स्टेशन कवर किए जाते हैं उसके बाद में इंक्लूड्स अब ये वाला पार्ट समझ लो इंक्लूड्स एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड गुड्स चलो मुझे बताओ व्हाट डू मीन बाय इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स मतलब गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया और एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स गुड्स मतलब आर टू बी टेकन टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तो इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स आर ऑर्डिनरीली कैप बिफोर क्लियर फ्रॉम कस्टम ऑथोरिटीज मतलब क्या मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे कस्टम्स एरिया में वो भी कस्टम्स एरिया आएगा वो शायद हो सकता है स्टेशन ना हो ओके okay, ये कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन ना हो लेकिन वहां गुड्स रखे जाते हैं इंपोर्ट होने के बाद क्लियरेंस होने के पहले तो वहां इम्पोर्टेड गुड्स रखे जाते हैं क्लियरेंस होने के पहले या एक्सपोर्ट गुड्स रखे जाते हैं क्लियरेंस होने के पहले ओके okay, उस एरिया को भी कस्टम्स एरिया माना जाएगा अब आपका एक दूसरा सवाल आएगा दूसरा सवाल क्या आएगा सर ये बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन चलो इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं जैसे कस्टम स्टेशन कस्टम स्टेशन में जो आता है बेटा कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन ये तीन चीजें आती है ओके कस्टम पोर्ट जो डिफाइन किया इन्होंने यहाँ पे अब देखो ये स्क, पूरा स्क्रीन में देख लेना कस्टम पोर्ट इन्होंने जो डिफाइन किया है कस्टम पोर्ट मतलब बेटा आपका जो ये आ, जब पोर्ट जब भी वर्ड यूज होता है पोर्ट मतलब ही समझना ना सी रूट से गुड्स आ रहा है तो आपका जो आ, पोर्ट है ओके बाय सी रूट फॉर अनलोडिंग ऑफ गुड्स उसे कस्टम पोर्ट कहा जाता है अब थोड़ा इसको और, और एक्सप्लेन करता हूँ होता है क्या बेटा इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है पोर्ट ट्रस्ट एक्ट पोर्ट ट्रस्ट किसी को भी अगर पोर्ट बनाना है जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में ओके जे पोर्ट उसके ये जो है ये एक ट्रस्ट है जिसने एक पूरा पोर्ट डेवलप किया है आ, ऐसे ही आप कोलकाता में देखोगे यहाँ पे आ, विशाखापट्टनम में देखोगे तो जिन्होंने पूरा पोर्ट जो है यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है तो ये चेन्नई में देखोगे तो ये जो पोर्ट है ओके ऐसी कोई प्राइवेट कंपनीज़ या ट्रस्ट होती है जो पूरा डेवलप करती है जो लाइसेंस लेती है अंडर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट सुनिएगा अंडर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट लाइसेंस लेती है और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप करती है फॉर अनलोडिंग ऑफ गुड्स हैंडलिंग ऑफ गुड्स लोडिंग ऑफ गुड्स ओके स्टोरेज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा मैं आगे पोर्ट का पूरा सीन आपको बताऊंगा ओके okay, और वो अगर लाइसेंस लेती है तो पूरा पोर्ट जो है या डेवल कस्टम्स के पास अप्लाई करना पड़ता है सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स उनके पास अप्लाई करना पड़ता है लाइसेंस के लिए अंडर सेक्शन सेवन अब सेक्शन सेवन हमारे सिलेबस में नहीं है तभी मैं आपको बता देता हूँ कि उनके लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है ओके okay, और, okay, और के के सीबीआईसी तो अब जैसे ही लाइसेंस मिल जाता है एक डोमेस्टिक पोर्ट को कस्टम पोर्ट का तो वो इंटरनेशनल पोर्ट बन जाता है मतलब वहां पे अब इंटरनेशनल शिप्स आ सकती है जा सकती है तो जिसने ये पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उसका क्या बेनिफिट होता है उसका ये बेनिफिट होता है बेटा कि जब भी कोई फॉरेन शिप आती है जिसको वो टाइम स्लॉट देते हैं यहां पे जगह देते हैं गुड्स लोडिंग अनलोडिंग तो उनका उनसे लीज रेन मिलता है प्लस जब गुड्स अनलोड होता है तो अनलोड में लोडिंग चार्जेस अनलोडिंग चार्जेस हैंडलिंग चार्जेस स्टोरेज चार्जेस ये सब पैसा वो इंपोर्टर से कलेक्ट करती है तो एक बात समझना कि ये आपको जो यहाँ से अनलोडिंग करना हैंडलिंग करना स्टोरेज करना ये कोई फ्री फैसिलिटी नहीं है इंपोर्टर को इंपोर्टर को हर बात का पैसा गिनना पड़ता है दोस्तों हर बात का पैसा उसे देना पड़ता है तो यहां के जो चार्जेस है ये इनका मेन रेवेन्यू है इसलिए हर डोमेस्टिक पोर्ट जिसे हम कोस्टल पोर्ट कहते हैं आई रिपीट हर डोमेस्टिक पोर्ट जिसे हम कोस्टल पोर्ट कहते हैं वो चाहता है कि वो कस्टम पोर्ट बन जाए मतलब सीबीआईसी से उसको लाइसेंस मिल जाए सो दैट कि फॉरेन शिप्स उस वहाँ आ सके और उनका बिजनेस बढ़ सके बहुत बड़ा रेवेन्यू है बेटा ये ओके okay, तो ये होता है कस्टम पोर्ट कस्टम पोर्ट मतलब जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक पोर्ट होते हैं जिनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है सेक्शन सेवन बाय सी बी आई ओके उसे कस्टम पोर्ट कहा जाता है आई रिपीट उसे कस्टम पोर्ट कहा जाता है अब मैं एक और कंस पे होगा आईसीडी आईसीडी मतलब इनलैंड कंटेनर डेपो आईसीडी मैंने यहां लिया है आईसीडी इनलैंड कंटेनर डेपो कंटेनर डीईपीओटी इनलैंड कंटेनर डेपो सर ये आईसीडी क्या होता है बताता हूं अब देखो जैसे एग्जाम्पल लो महाराष्ट्र में नागपुर नागपुर में सी शोर तो है नहीं और बहुत से इम्पोर्टर जो है जब गुड्स इम्पोर्ट करते हैं तो सबसे सस्ता रूट है सी रूट ओके जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम लगती है एयर रूट तो बहुत महंगा है अब समझ लो यहाँ पे ध्यान से सुनना कोई इम्पोर्टर नागपुर का है और उसको गुड्स इंपोर्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन तो मुंबई पोर्ट ही है जहां मुंबई या गोवा पोर्ट है जहां पे वो ला सकता है तो मुंबई पोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो अब वो जे पोर्ट पर गुड्स अनलोड करेगा अब जे पोर्ट से गुड्स अनलोड होने के बाद उसको बार बार मुंबई जाना पड़ेगा फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स अब बार बार मुंबई जाना फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है ओके और सब कंप्लाइंस करना बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल करना ये सब कुछ चीज़ें उसके लिए करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है तो अगर उसको एक फैसला फैसिलिटी मिल जाए कि उसके एरिया में एक डेपो बन जाए कस्टम्स का कि भाई गुड्स उसके एरिया में आ गए और फिर वो यहाँ सब फॉर्मेलिटी करेगा यहाँ बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा डॉक्यूमेंट देगा क्लियरेंस के सभी सवाल जवाब जो भी हो वो आप कंप्लाई करेगा तो अगर ऐसे केस में उसके ही एरिया में अगर एक डेपो बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी तो यहां कंप्लाई करेगा यहां से क्लियरेंस ले लेगा तो ऐसे सिचुएशन में ओके यहाँ पे जहां सी श्योर एवेलेबल नहीं है आई रिपीट जहां सी श्योर एवेलेबल नहीं है वहां पे बेटा गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी एक्सटेंड की है और वो है इनलैंड कंटेनर डिपो मतलब अगेन कुछ प्राइवेट कंपनीज या ट्रस्ट जो है वो आईसीडी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है जैसे नागपुर में है पुणे में है नासिक में है आईसीडी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और कस्टम डिपार्टमेंट से उसका लाइसेंस लेती है एज अ आईसीडी ये आईसीडी का क्या फायदा है आईसीडी का फायदा ये है कि समझ लो मैं नागपुर का इंपोर्टर हूं ध्यान से सुनना

कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है बेटा गुड्स गुड्स कस्टम कस्टम कंट्रोल कंट्रोल में में ही होता है, I repeat, में होता है है आई रिपीट वो कस्टम पोर्ट में ही कहा जाएगा और फिर मैं यहाँ अपनी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्शन या बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करूंगा और अपने क्लियरेंसेज कंप्लीट करूंगा तो बेटा ध्यान से सुनो वेयर हाउसिंग और आईसीडी इन दोनों में डिफरेंस है आईसीडी जो है आई रिपीट आईसीडी ये पोर्ट का ही ब्रांच है जहां आपको जहां जो है आप कि कन्वीनियंस के लिए क्लियरेंस रखा गया है और टोटल टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि आप कस्टम्स एरिया में ज्यादा से ज्यादा दिन तक रख सकते हो आई रिपीट तीस दिन तक गुड्स रख सकते हो तीस दिन में आपको कोई भी हालत में गुड्स क्लियर करवाना पड़ता है तो ऐसे सिचुएशन में बेटा जहां तक देखा जाए तो ये कस्टम पोर्ट ही माना जाता है तो अगर आपने गुड्स यहां रखा होगा या आईसीडी में रखा होगा टोटल टाइम पीरियड आपका थर्टी डेज होता है यानी ये टोटल दोनों का मिला के थर्टी डेज मिलता है हाँ, अब अब आईसीडी में आने के बाद अब मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे होम कल करवाना करवाना है है या है। अगर मैं यहां से करवा रहा हूं तो फिर मुझे एक साल और मिल जाएगा लेकिन बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो मेरी बिल ऑफ एंट्री यहां सबमिट नहीं हो रही है मेरी बिल ऑफ एंट्री आईसीडी में सबमिट होती है बेटा ओके जो भी कस्टम फॉर्मेलिटीज है वो सभी कस्टम फॉर्मेलिटीज आईसीडी में कंप्लीट होता है और यहां से गुड्स क्लियर होता है आप आई

कस्टम स्टेशन मतलब कस्टम पोर्ट कस्टम पोर्ट मतलब ऐसे पोर्ट जिसको अपॉइंटमेंट मिला है या लाइसेंस मिला है अंडर सेक्शन सेवन बाय सीबीआईसी सीबीआईसी ने लाइसेंस दिया है और कस्टम पोर्ट इंक्लूड्स क्या आईसीडी चलो फटाफट यस मुझे ऐसे एक्टिव स्टूडेंट चाहिए आयुष कुणाल विराल ओके आप जो है ओके इन्वॉल्व हो रहे हो मजा आ रहा है तो चलो ठीक है तो ये था कंसेप्ट ऑफ आईसीडी उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आता हूं बेटा और वह कस्टम्स एयरपोर्ट ठीक है कस्टम्स एयरपोर्ट अब जैसे बेटा डोमेस्टिक एयरपोर्ट आई रिपीट डोमेस्टिक एयरपोर्ट बहुत सी एयरपोर्ट ऑपरेटर डेवलप करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहारा मिहान जीएमआर एम आर के ऐसी बहुत सी प्राइवेट कंपनीज़ है या गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनीज है कि जो ये जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट डेवलप करते हैं और ये जो एयरपोर्ट डेवलप करते हैं बेटा पूरा खर्चा लगाते हैं फ़ायदा क्या फ़ायदा वही है जो फ्लाइट्स आएगी उनसे रेंट मिलेगा पैसेंजर आएंगे उनसे फीस मिलती है ओके उसके बाद में जो गुड्स अनलोड होते हैं लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस बहुत बड़ा रेवेन्यू है तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो डेवलप करता है ये कोई गवर्नमेंट के नहीं होते आइदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स uh, के होते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के होते हैं जिनको स्पेशल लाइसेंस मिलता है ओके okay, ये एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए तो जैसे यहाँ पे ओके okay, uh, जब डोमेस्टिक एयरपोर्ट को अपॉइंटमेंट मिल जाता है या फिर लाइसेंस मिल जाता है एज अ कस्टम्स एयरपोर्ट तो वो बन जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे पुणे पुणे में कुछ फ्लाइट्स अलाउ करिए जैसे दुबई के लिए ओके okay, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ के लिए तो पुणे पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही था फिर उसको लाइसेंस मिला कस्टम डिपार्टमेंट से कि चलो अब यहाँ तुम कस्टम एयरपोर्ट हो जाओ कस्टम्स okay. एयरपोर्ट होती है बेटा यहां से फ्लाइट जो है एंड फॉरेन स्लॉट मिल जाते हैं यहां से फ्लाइट आ जा सकती है टू फॉरन कंट्री ओके उसमें गुड्स भी आते हैं पैसेंजर्स भी आते हैं बहुत बड़ी कमाई होती है यहां पे एयरपोर्ट ऑपरेटर की एयरपोर्ट ऑपरेटर मतलब जिनको लाइसेंस दिए पूरा एयरपोर्ट ऑपरेट करने के लिए तो उनको कहा जाता है कस्टम्स एयरपोर्ट तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट को जब लाइसेंस से अपॉइंटमेंट मिलता है बाय सीबीआईसी तो उन्हें कहा जाता है कस्टम्स एयरपोर्ट उसके बाद में बेटा यहाँ पे एयर फ्रेट स्टेशन ए एफ एस मतलब यहाँ ए एफ एस एयर फ्रेट स्टेशन जैसे आ, शिप के केस में आईसीडी होते हैं वैसे यहाँ एयर फ्रेट स्टेशन होते हैं मैं एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा भूल गया हूं मैं वो भी पॉइंट कवर कर लेना चाहता हूँ हाँ शिप के केस में आईसीडी तो होता है बेटा कंटेनर फ्रेट स्टेशन भी होते हैं ये सी एफ एस सी एफ एस मतलब कंटेनर फ्रेट स्टेशन कंटेनर फ्रेट स्टेशन अब ये कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होते हैं बताता तो हूं आपको ये आईसीडी ये दूर होती है और ये जो है ये भी ब्रांच ही है लेकिन ये दूर होता है और ये जनरली वहां वो एरिया में होता है जहां सी श्योर नहीं है और कंटेनर फ्रेट स्टेशन में एयर कस्टम एयरपोर्ट पे बाद में आऊंगा ओके okay. लेकिन यहां पे कंटेनर स्टेशन कस्टम पोर्ट का क्या होता है बता दो कंटेनर फ्रेड स्टेशन मतलब क्या कि जैसे कुछ पोर्ट बहुत बिजी होते हैं मुंबई है उसके बाद में कोलकाता है चेन्नई है तो ये पोर्ट इतने बिजी होते हैं और डेली इतनी शिप्स आती है बड़ी बड़ी शिप्स तो कंटेनर जब अनलोड होते हैं तो जगह नहीं मिलती है पोर्ट पर गुड्स रखने की uh, यहाँ पर तो फिर क्या होता है जब जगह नहीं मिलती है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो यहां से कनेक्टेड एरिया में रख देते हैं मतलब ये कंटेनर्स फेड स्टेशन ये कनेक्टेड टू पोर्ट होता है ये दूर नहीं होता लाइक आईसीडी ये कनेक्टेड टू पोर्ट होता है जब हेवी ट्रैफिक हो जाता है तो हेवी ट्रैफिक ये कंटेनर का तो यहां से ओके okay, कंटेनर्स निकाल लिए गुड्स निकाल लिए और कंटेनर फेड स्टेशन में शिफ्ट कर दिए क्योंकि इंपोर्टर के पास तो तीस दिन है यहां से गुड्स क्लियर करने का अब तीस दिन तक अगर गुड्स पड़े रहे तो यहां बहुत ज़्यादा ट्राफिक हो जाएगा तो वो सिचुएशन में बेटा गुड्स यहां से निकाल के कंटेनर फ्रेड स्टेशन में शिफ्ट कर देते हैं जो कनेक्टेड टू पोर्ट होता है तो ये कंटेनर फ्रेड स्टेशन भी कस्टम पोर्ट का ही पार्ट माना जाता है तो ऐसा ही लॉजिक मैं एयरपोर्ट में लूंगा हाँ, एयरपोर्ट में जैसा एयरपोर्ट के लिए आईसीडी नहीं होती है आपके कंसेप्ट के लिए बता दूं एयरपोर्ट में आईसीडी नहीं होती है आ, मतलब अगर कोई गुड्स बाय एयर आता है तो यहां से आईसीडी में शिफ्ट वही केस में जब बाय सी रूट गुड्स आता है अगर बाय एयर रूट गुड्स आ रहा है तो एयरपोर्ट से ही कनेक्टेड बड़े बड़े कार्गो हब होते हैं कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े वेयर हाउसेस एयरपोर्ट पे होते हैं दिल्ली में देखा होगा यहाँ पे अब नागपुर में बन रहे हैं मिहान प्रोजेक्ट बन रहा है तो शायद बन भी चुका है लगभग बहुत कुछ तो ये बड़े बड़े फ्रेट स्टेशन बनाए जाते हैं कार्गो हब बनाए जाते हैं तो और वो कनेक्टेड टू एयरपोर्ट होते हैं लाइक कंटेनर फ्रेट स्टेशन तो जब गुड्स अनलोड हो जाता है तो वो ओके यहाँ पे एयरपोर्ट के लैंडिंग स्पेस पर थोड़ी रखते हैं उसको इतना बड़ा जब कंटेनर अनलोड होता है तो उसको शिफ्ट कर देते हैं एयर स्टेशन में जो कनेक्टेड जो कनेक्टेड पे एयरपोर्ट होता बाय एयर आता है है तो वो सिचुएशन में बेटा नहीं है। ICD सिर्फ शिप क्लियर प्रोसीजर कंप्लीट करते हो आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम हाउसिंग दोगे और अकॉर्डिंगली गुड्स जो है आपका जो है ट्रांसफर किया जाएगा और लैंड कस्टम स्टेशन ओके तो ये लैंड कस्टम स्टेशन जो है जब गुड्स बाय लैंड या बाय ट्रेन आता है लैंड रूट आता है मतलब व्हीकल के थ्रू आता है या ट्रेन आता है ओके तो जो बाय ट्रेन आ रहा है तो जो वो प्लेटफॉर्म्स जो इंटरनेशनल जहाँ बांग्लादेश से भूटान से पाकिस्तान से ट्रेन आ सकती है तो ऐसे बॉर्डर लाइन पे जो है ओके बहुत से इंडियन रेलवे के प्लेटफॉर्म एज अ लैंड कस्टम स्टेशन अपॉइंट किए गए हैं जहाँ ट्रेन आती है रुकती है इंपोर्टेड गुड्स अनलोड करती है अब बाय लैंड रूट आ रहा है तो लैंड कस्टम स्टेशन ऐसे अपॉइंट किए जाते हैं तो बेटा मैं आपको ये कहूँ कि जब भी मैं इस एक्ट में पोर्ट कहूँगा मतलब सी रूट एयरपोर्ट कहूंगा मतलब एयर रूट और लैंड कस्टम स्टेशन जब कहूगा इसका मतलब बाय ट्रेन आ रहा है या फिर बाय यहां पे व्हीकल आ रहा है तो लैंड कस्टम स्टेशन इसके लिए आईसीडी और फ्रेड स्टेशन ऐसे कुछ नहीं होते तो एक फटाफट मेरे साथ फिर से रिवाइज करो कस्टम पोर्ट जो है कस्टम पोर्ट में आईसीडी भी इंक्लूडेड होती है कंटेनर फ्रेड स्टेशन भी इंक्लूडेड होते हैं एयरपोर्ट की अगर हम बात करें बेटा तो एयरपोर्ट में कंटेनर फ्रेड स्टेशन भी इंक्लूड होते हैं और लैंड कस्टम स्टेशन तो लैंड कस्टम स्टेशन लैंड रूट के लिए किए जाते हैं अब मैं आपको एक बात कर रिलेवेंस क्या है इसका relevance क्या पूरे कस्टम्स एक्ट में अब मैं आगे आपको बताऊंगा सेक्शन ट्वेंटी में जब हम इंपोर्ट प्रोसेस जो स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई कन्वेंस मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कन्वेंस डेफिनेशन याद आनी चाहिए आपको जब भी कोई कन्वेंस इंडिया में आता है तो वो पहला जो स्टॉप ले सक ले, लेगा वो कस्टम पोर्ट पे होगा एयरपोर्ट पे होगा या लैंड कस्टम स्टेशन पे होगा और दूसरी जगह वो ले ही नहीं सकता यानी इंडिया में आने के बाद ट्रेन को अगर रुकना है तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकेगी अगर रुकेगी पहला स्टॉप लेगी तो लैंड कस्टम स्टेशन पे शिप आएगा तो शिप कहीं पे भी नहीं रुक सकता पोर्ट पे ही रुक सकता है या एयरक्राफ्ट आएगा तो एयरक्राफ्ट फॉरेन से जब इंडिया में आएगा तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं करेगा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेगा जहां इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स तो इसका बहुत रिलेवेंस है मैं आगे के सेक्शन में बताऊंगा तो इस तरह से हमने देखा कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन तो ये तीनों को कस्टम स्टेशन कहा जाता है और कस्टम स्टेशन को कस्टम्स एरिया कहा जाता है तो कस्टम्स एरिया में एक बार फिर से देखो कस्टम्स एरिया में कस्टम स्टेशन यानी जितने भी ये स्टेशन बनाए गए अब जब भी मैं स्टेशन तो कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन जितने भी स्टेशन बनाए गए आते हैं रुकते हैं गुड्स इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट लोड होते हैं अनलोड होते हैं वो तो होता है प्लस कस्टम्स एरिया में हर वो एरिया आता है जहां पे गुड्स रखे जाते हैं जैसे वेयर हाउसेस ओके जो कस्टम लाइसेंस वेयर हाउसेस है अब यहां कन्वेंस नहीं आता है डायरेक्ट लेकिन यहां गुड्स स्टोर किया जाते हैं तो ये वेयर जो हो गए वो कस्टम्स एरिया का सेकेंड पार्ट ऐसे कोई एरिया नॉर्मली ऑर्डिनरली इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्ट गुड्स रखे जाते हैं ओके बिफोर तो ये डेफिनेशन हमने देखी यहां कस्टम्स एरिया कस्टम स्टेशन कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी ठीक है चलो आंसर दो मुझे फटाफट आपका आंसर चाहिए डोंट बी डम एक्टिव डेफिनेशन ले लेता हूं बेटा कंसेप्चुअली मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है पहला कस्टम्स एरिया मतलब कस्टम स्टेशन आप अंडरलाइन कर कर सकते हो और एनी एरिया जहाँ इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स रखे जाते हैं कस्टम स्टेशन मतलब कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन कस्टम पोर्ट यहाँ पे कस्टम पोर्ट यानी ऐसे पोर्ट डोमेस्टिक पोर्ट जो अपॉइंट किए गए सेक्शन सेवन यानी सी बी आई सी ने अपॉइंट किया उसे कस्टम पोर्ट कहा जाएगा और इनलैंड कंटेनर डेपो ये भी कस्टम पोर्ट का ही पार्ट माना जाएगा फिर कस्टम्स एयरपोर्ट हाँ कस्टम्स एयरपोर्ट का पूरा टाइटल ऐसा है कस्टम एयरपोर्ट है इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल फॉरेन पोस्ट ऑफिस अभी बेटर कैसा है कि एयरपोर्ट को उन्होंने टाइटल ऐसा दिया कस्टम एयरपोर्ट जहां अगर गुड्स कुरियर के थ्रू आता है यानी बाय एयर कुरियर के थ्रू आता है या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है ओके okay, इंटरनेशनल कुरियर के थ्रू आता है या पोस्ट के थ्रू आता है बेटा तो वो कस्टम एयरपोर्ट पे आएगा तो उसे इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल और फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी वहीं लाइसेंस दिए जाते हैं जहाँ एयरपोर्ट है तो क्लॉज ए ऑफ सी बी आई सी वहीं लाइसेंस दिए जाएंगे और एयर फ्रेट स्टेशन भी उसका ही पार्ट माना जाएगा लैंड कस्टम स्टेशन अगेन सी बी आई सी अपॉइंट करेगा हाँ अब ये दो डेफिनेशन फॉरेन पोस्ट ऑफिस और इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल ये दो डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ ओके okay, ये क्या था बेटा फॉरेन पोस्ट ऑफिस या इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल ये देखिए पहले क्या था दो साल पहले की बात बता दो क्या होता था जब भी पोस्ट ऑफिस से यानी फॉरेन पोस्ट ऑफिस से गुड्स आते थे इंडिया में या कुरियर से गुड्स इंडिया में आते थे तो इनका कुरियर का असेसमेंट जो है कंपल्सरीली कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पे ही करना पड़ता था यानी वहां असेसमेंट करवा और फिर वहां से जो है कुरियर आपके घर पे आ रहा है तो इससे क्या हो जाता था कि अभी जैसे आप देख रहे हो कि ई e कॉमर्स बहुत बढ़ गया और कि इवन फॉरेन से जब गुड्स आते हैं तो उसके लिए भी छोटे छोटे पार्सल कुरियर जो आ रहे हैं तो ई e कॉमर्स ट्रिविन्डसली बढ़ गया पिछले तीन चार साल में और अभी कोविड के बाद तो और कोविड -और, आने के बाद तो बहुत बढ़ गया तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है कस्टम डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि नहीं कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट पे ही हमने इतना बड़ा असेसमेंट रख दिया तो बहुत सारे कुरियर्स पेंडिंग पड़ जाएंगे एक दिन में इतने कुरियर असेस करना पॉसिबल नहीं होगा तो उन्होंने क्या किया इसको डिसेंट्रलाइज करना चालू कर दिया मतलब अब क्या है जैसे पुना का जब कुरियर कुरियर आता था तो इसका असेसमेंट समझ लो बाय फ्लाइट आ रहा है और बॉम्बे एयरपोर्ट पर आ रहा है तो असेसमेंट वहां करना पड़ता था अब उसका केवासी सभी डॉक्यूमेंट्स भेजो और कि उसको क्लियरेंस करवाओ तो बहुत सी बार तो एयरपोर्ट पे पांच पांच छे छह दिन लटक गया आपका कुरियर लेकिन अब इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया मोस्ट सिटीज में इन्होंने फॉरन पोस्ट ऑफिस के लाइसेंस दिए समझ लो पुना का कोई हेड पोस्ट ऑफिस है उसको ही दे दिया कि, या मुंबई एयरपोर्ट पे वो पार्सल अब वहां असेस नहीं होते पुना के पार्सल फटाफट फड़ जो है लाइसेंस दिए है पोस्ट ऑफिस के फॉरन पोस्ट ऑफिस के या इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल के वहां आ जाते हैं नो डाउट वहां कस्टम ऑफिसर वगैरह होता है चेकिंग के लिए और यहां जैसे जैसे पुना के पुना में आ गया नासिक के चले गए नागपुर के चले गए या सूरत के चले गए राजस्थान के चले गए तो यहां जयपुर के चले गए तो हर ऐसी सिटीज में उन्होंने पोस्ट ऑफिस या इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल बनाया जिसको यहां पर स्पीडी क्लियरेंस हो गया, गया। यानी आज जो है फॉरन से भी पार्सल आ जाता है तो छह सात दिन में आपको कस्टम डिपार्टमेंट से असिस्ट करके फटाफट मिल जाता है तो ऐसे सिचुएशन में डिसेंट्रलाइज कर दिया और अब मोस्ट ऑफ द सिटीज में उन्होंने फॉरेन पोस्ट ऑफिस के लाइसेंस दे दिए इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल के लाइसेंस दे दिए वहाँ कस्टम ऑफिसर को आपका अपॉइंटमेंट कर दिया अब जो भी आपके एरिया में अगर फॉरेन पोस्ट ऑफिस या इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल के के यहाँ अपॉइंटमेंट दे दी गई है तो आपके पार्सल वहाँ आ जाते इमीडिएट ऑफिसर जो है उसको या असिस uh, के बारे में हम और डिस्कशन टॉपिक ऑफ पोस्ट एंड कुरियर जो सेपरेट टॉपिक है ठीक है टॉपिक ऑफ पोस्ट एंड कुरियर जो सेपरेट टॉपिक है ठीक है नीचे मैंने शॉर्ट नोट दिया है आईसीडी कंटेनर फ्रेड स्टेशन एयर फ्रेड स्टेशन तो ये तो आपने पढ़ लेना बेटा मुझे नहीं लगता कि सी ए फाइनल लेवल पे इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जस्ट फॉर नॉलेज मैंने थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है चलो ये तो हमने यहां पे फिर सेक्शन एट मैं लेता हूँ सेक्शन एट क्या कहता है प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ कस्टम्स जाग रहे हो ना नींद तो नहीं आ रही है एंजॉय कर रहे हो ठीक है अब ये थोड़ी प्रोसीजर है आधे घंटा मुझे बेयर कर लो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पूरा एनिमेशन से आपको समझाने की आ, फिर आ, बहुत मजा आएगा जो जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ेगा ठीक है ये थोड़ा पहले इनिशियल स्टेज के सेक्शन हम देख लेते हैं नाउ सेक्शन एट द प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में अप्रूव द प्रॉपर प्लेसेस इन एनी कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट और कोस्टल पोर्ट फॉर अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एनी क्लास ऑफ गुड्स एंड लिमिट ऑफ़ कस्टम्स एरिया सो पावर दिया है अंडरलाइन करना कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर उनको पावर दिया है जैसे मैं ये डायग्राम लेना चाहूंगा दो मिनट बेटा अब देखिएगा ये डायग्राम है यहां पे कि चलो जे ये कस्टम पोर्ट हो गया या एयरपोर्ट हो गया पर ये अब पोर्ट बहुत बड़ा होता है समझ लो ये ऐसा पांच छह किलोमीटर का एरिया पोर्ट में अब इतने बड़े पोर्ट पे शिप कहाँ आएगी कहां रुकेगी कहाँ गुड्स लैंड करेगी ओके वो स्पेस फिक्स करना पड़ता है जिसे हम डॉक कहते हैं रिपीट जिसे हम डॉ डॉक कहते हैं या बर्थ प्लेस कहते हैं तो ये प्लेस को प्रॉपर प्लेसेस आपको लिखना है तो इसको कहते हैं हम बर्थ प्लेस बर्थ प्लेस इसको डॉग भी कहते हैं ठीक है बर्थ प्लेस या डॉग कहते हैं ये बी आई आर टी एच मत लिखना बेटा ओके बी आई आर टी एच मत लिखना बीई आर टी एच बर्थ प्लेस ये बर्थ प्लेस मतलब आपको पता है आप ट्रेन में जाते हो तो आपकी बर्थ जो है कौन सी बर्थ लेना है वो वर्ड है कि ये जब शिप आती है तो कहाँ बर्थ लेगी कहाँ रुकेगी कहाँ अनलोड करेगी अनलोड के जो ये फोर क्लिफ्ट होते हैं कहाँ दिए जाएंगे तो ये सब कुछ डिसाइड करता है कमिश्नर यानी इतने पूरे एरिया में पाँच छः किलोमीटर में कहाँ लोडिंग अनलोडिंग होती है ये डिसाइड करता है कौन बेटा ओके कमिश्नर दूसरी बात बर्थिंग प्लेस कहते हैं और अनलोड होने के बाद ओके कस्टम्स एरिया में गुड्स कहां रखे जाएंगे उसको कहते हैं लैंडिंग स्पेस तो दो वर्ड थोड़ा याद रखना आगे जिस जनरल डिस्कशन में लोग में भी दिया है ओके लैंडिंग स्पेस मतलब जहां गुड्स अनलोड किए जाते हैं और बर्थिंग प्लेस मतलब जहां जो है यहां वेसल जगह लेता है फॉर अनलोडिंग मेरे ख्याल से बफरिंग हो रहा है बहुत सी जगह चलो कोशिश करता हूँ कि बफरिंग अब क्या करें इंटरनेट का थोड़ा स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है तभी तो लीज लाइन है बेटा थोड़ा दो मिनट रुक जाता हूँ आपके कंसेप्ट नहीं जाने चाहिए एक मिनट रुक जाता हूँ ठीक अभी ठीक आ रहा है, आ रहा है? बर्थ प्लेस कहां होती है? ये कमिश्नर डिसाइड करता है और कमिश्नर और स्पेसिफाई करता है कि हर पोर्ट और एयरपोर्ट का लिमिट कितना होगा पूरा कंपाउंड वॉल लगाया जाता है जैसे आप मुंबई एयरपोर्ट देखो दिल्ली एयरपोर्ट देखो तो पूरी कंपाउंड वॉल के बनाई गई है तो ये पूरा कमिश्नर डिसाइड करता है अंडर सेक्शन एट नेक्स्ट बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्डिंग स्टेशन

आई रिपीट प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टमोटिफिकेशन इन ऑफिशियल इन और नियर एनी कस्टम पोर्टर कस्टम पोर्ट मुझे बताओ उन्होंने या कस्टम पोर्ट बोला है कस्टम पोर्ट बोला, बोला है हाँ सचिन ये टॉपिक से छोटे छोटे एमसी क्यों जरूर आ सकते हैं मैं मानता हूं इसलिए मैं कहता हूँ कि टॉपिक को इग्नोर मत करना यहाँ पे टॉपिक जो है आ, आपको दो तीन बार अच्छे रीडिंग कर जाना है और कंसेप्चुअली क्लियर होके जाना है एमसी को जरूर आ सकते हैं एमसी क्यू ऐसा भी बन सकता है हु हैव अ पावर टू डिसाइड द प्लेस फॉर अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ गुड्स तो कमिश्नर प्रिंस सुपरिटेंडेंट ऐसे एम uh, बना सकते हैं तो तब ये काम आता है कि प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर को ये पावर है जैसे बोर्डिंग स्टेशन तो बोर्डिंग हु हैव पावर टू अपॉइंट द बोर्डिंग स्टेशन प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट और एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर तब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल uh, कमिश्नर और कमिश्नर यहाँ बोर्डिंग स्टेशन जो है अपॉइंट कर सकता है वो सेक्शन फिर तीनों का अप्लाई हो जाएगा तीनों का मतलब कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन को और जब मैं सिर्फ कस्टम पोर्ट कहूँ तो सिर्फ ये सेक्शन जो है कस्टम पोर्ट का ही अप्लाई होगा ओके ये एयरपोर्ट के लिए नहीं है एज क्लाज ये लैंड कस्टम स्टेशन के लिए नहीं है तो बोर्डिंग स्टेशन क्या होते हैं बता तो जैसे बेटा क्या होता है कि आ, जब कोई शिप जो है यहाँ से इंडिया से बाहर जा रही है ओके इंडिया से बाहर जा रही है वो शिप में गुड्स लोड भी हो गया सब कुछ लोड हो गया वगैरह सब ठीक है लेकिन फिर क्या होता है कि सब लोडिंग होने के बाद पोर्ट पे पोर्ट पे सभी लोडिंग होने के बाद यहाँ शिप को आगे जो है रुकना पड़ता है फॉर चेकिंग हमारा कस्टम ऑफिसर जो है कस्टम ऑफिसर चेकिंग के लिए रुकता है कि भाई ये जो ट्रांसपोर्टर है ओके शिपिंग कंपनी जो है इसने सभी गुड्स प्रॉपर लोड किए कि नहीं किए कोई स्मगलिंग तो नहीं किया क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं कोई ये गवर्नमेंट के दामाद नहीं है ये भी स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर इनको क्या होता है आगे रोकना पड़ता है बोर्डिंग स्टेशन पर जो इन इन द पोर्ट होता है या नियर टू पोर्ट होता है यानी कस्टम पोर्ट के पर ही कई बाजू में होगा या कस्टम पोर्ट के आगे कहीं नियर टू कस्टम पोर्ट यहाँ पे ओके okay, उनको रुकना पड़ता है फॉर चेकिंग पर्पज ऑफिसर आता है सभी कंटेनर्स वगैरह चेक करता है उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है बेटा तो उसको कहते हैं बोर्डिंग स्टेशन आई रिपीट उसको कहते हैं बोर्डिंग स्टेशन तो यहाँ पे इन और नियर एनी कस्टम पोर्ट और अ बोर्डिंग स्टेशन फॉर द परपज ऑफ बोर्डिंग ऑफ और डिसम्बार्क वेसल बाय ऑफिसर यानी ऑफिसर जो है ओके बोर्डिंग ऑफ यानी वो बोर्ड बोर्ड ऑफ वेसल पे जाएगा बोर्डिंग करेगा या डिसम्बार्केशन यानी वहाँ ओके वहाँ पे निकल जाएगा तो कभी कभी ऑफिसर ऐसा करते हैं okay, यहां पे बोर्डिंग स्टेशन पे बैठ जाते हैं और नेक्स्ट बोर्डिंग स्टेशन पे चेकिंग होने के बाद उतर जाते हैं जैसे ट्रेन में टीसी होता है एक आ, से चढ़ जाएगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतर जाएगा ओके okay, चेकिंग करने के लिए वैसे बोर्डिंग स्टेशन पे बोर्डिंग के लिए डिसम्बार्केशन के लिए ऑफिसर चढ़ता है उतरता है और वो चेकिंग के लिए आता है तो बोर्डिंग स्टेशन तो ये जो बेटा है ना ये सिर्फ शिप के केस के में होता है एयरक्राफ्ट के केस में नहीं होता है मतलब ऐसा ऐसा मत समझना कि एयरक्राफ्ट के केस में यहाँ पे ओके okay, तो एयरक्राफ्ट के केस में बेटा यहाँ पे जो है ओके okay, गुड्स लोड हो गया एयरक्राफ्ट ऊपर चले गया और एयरक्राफ्ट ऊपर रुक गया ओके okay, फिर ऑफिसर पैराशूट से गया और पैराशूट से एयरक्राफ्ट बैठ गया चेकिंग कर रहा है छोटा बीम देख रहे हो क्या आप ओके okay, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा तो ये सिर्फ शिप के केस में रखा है पोर्ट के केस में रखा है एयरपोर्ट और व्हीकल के, के केस में इन्होंने ये नहीं रखा है ठीक है तो ये था बोर्डिंग स्टेशन इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है बेटा नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार करना एंट्री 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 यानी क्या एंट्री मतलब लिख दो यहां पे एप्लीकेशन बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अप्लीकेशन बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स यानी इस एक्ट में कहीं पर भी अगर एंट्री वर्ड यूज किया गया तो एंट्री मतलब अप्लीकेशन बाय इंपोर्टर एक्सपोर्टर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स ओके फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स ठीक है तो उसे कहते हैं एंट्री तो बेटा सेक्शन 216 में एंट्री वर्ड डिफाइन किया है आप बिना देखे बताना ठीक है तो बिना देखे बताना मुझे ये बताओ यहां पे आ, इंपोर्ट के केस में क्या एंट्री कहा था मैंने बिल ऑफ एंट्री करेक्ट तो बिल ऑफ एंट्री ये होती है एप्लीकेशन एक बात समझ लो जब भी आपका गुड्स इंपोर्ट होता है तो घर बैठे बैठे आपको गुड्स ला के नहीं मिलता है आपको अपना एप्लीकेशन देना पड़ता है कस्टम डिपार्टमेंट को कि ये मेरा गुड्स है और यहाँ पे मुझे क्लियर करवाना है और आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है गुड्स का मैं आगे एंट्री एक्सप्लेन करूंगा तो ये जो है ओके एंट्री इन रिलेशन टू गुड्स इम्पोर्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री होती है ओके okay, और एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो एक्सपोर्ट गुड्स में दो एंट्री है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट ये आगे में समझा अगर वेसल और एयरक्राफ्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो शिपिंग बिल वर्ड यूज होता है और अगर आप व्हीकल से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट ये नया वर्ड आ गया है आपके लिए अगर व्हीकल से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो नाम है बिल ऑफ एक्सपोर्ट कमॉन क्या बिल ऑफ एक्सपोर्ट और वेसल से अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो शिपिंग बिल या एयरक्राफ्ट से एक्सपोर्ट करे तो शिपिंग बिल तो इम्पोर्टेड गुड्स के केस के में एंट्री का नाम है बिल ऑफ एंट्री और एक्सपोर्ट के केस में दो नाम है शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट तो ऐसे केस में मैंने दिया है अब थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं जब कोई गुड्स कार्गो इंपोर्ट करते हो तो कार्गो के केस में बिल ऑफ एंट्री होती है पोस्ट के केस में तो कुछ नहीं आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट पे कुरियर एजेंसी क्लियर कर लेती है और बैगेज के केस में आपको बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है आपको याद होगा तो बैगेज के केस में डिक्लेरेशन होता है एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है और वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है इनकेस ऑफ बैगेज आप मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों तो चलो

तो मैं जस्ट आपकी तैयारी कर रहा हूं पर्सन इन चार्ज यानी क्या इन रिलेशन टू वेसल बोलो वेसल से रिलेटेड पर्सन इन चार्ज कौन होगा लिखो बटा बड़ा आंसर बड़ा दो आपका तो यहां पे वेसल से रिलेटेड पर्सन इन चार्ज आपके दिमाग में आएगा कैप्टन कैप्टन नहीं बेटा ओके okay, यहां कस्टम में मास्टर ऑफ द वेसल वर्ड यूज करना तो इन रिलेशन टू वेसल कैप्टन वर्ड नहीं पर्सन इन चार्ज होगा मास्टर ऑफ द वेसल ठीक है उसके बाद में इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट कम ऑन इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट कमांडर या पायलट इन चार्ज ऑफ एयरक्राफ्ट वो पर्सन इन चार्ज माना जाएगा कमांडर या पायलट इन चार्ज ऑफ द एयरक्राफ्ट वो पर्सन इन चार्ज माना जाएगा अगर रेलवे से कोई गुड्स आ रहा है तो कंडक्टर गार्ड या अदर पर्सन हैविंग चीफ डायरेक्शन ऑन द ट्रेन कंडक्टर सर हाँ जैसे इंडिया में कंडक्टर कंसेप्ट नहीं होता है लेकिन बेटा ओके अदर कंट्री में कंडक्टर भी होते हैं रेलवे के हमारे यहाँ गार्ड होता है तो कंडक्टर गार्ड या कोई भी ऐसा पर्सन जो चीफ डायरेक्शन चीफ नहीं चीफ डायरेक्शन जो है उसे रेलवे ट्रेन का यहाँ पे पर्सन इन चार्ज माना जाएगा और नेक्स्ट इन रिलेशन टू एनी अदर कन्वियंस बाकी सभी कन्वियंस से रिलेटेड ड्राइवर और अदर इन अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ दैट कन्वेंस ओके तो वो जो है पर्सन इन चार्ज माना जाएगा तो एक बार फिर से मेरे साथ हो जाए कम ऑन बेटा इन रिलेशन टू वेसल कौन मास्टर ऑफ द वेसल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोर कमांडर या पायलट इन चार्ज ऑफ द एयरक्राफ्ट रेलवे ट्रेन से रिलेटेड कंडक्टर और गार्ड और अदर पर्सन हैविंग चीफ डायरेक्शन ऑन द ट्रेन और इन रिलेशन टू अदर कन्वेंस बेटा ड्राइवर और अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस ओके जो है यहाँ पे पर्सन इन चार्ज माना जाएगा निश्चल नहीं टीसी नहीं ओके कंडक्टर गार्ड या हाँ टीसी अगर चीफ डायरेक्शन देता है ट्रेन को तो पर टीसी नहीं माना जाएगा पर्सन इन चार्ज ओके कुछ भी कुछ भी लिखने का क्या ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन 233 थर्टी थ्री प्रोहिबिटेड गुड्स हाँ ये डेफिनेशन देख लो प्रोहिबिटेड गुड्स की मीन्स बट डज नॉट इंक्लूड्स ये डेफिनेशन आ सकती है एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है प्रोहिबिटेड गुड्स मींस एनी गुड्स द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोहिबिशन दिसमिंग सर इस डेफिनेशन का क्या रिलेवेंस है बताता हूँ इस डेफिनेशन का रिलेवेंस ये है बेटा कि आगे जब मैं प्रोसीजर पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर लिखा है कि अगर आपके गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स हैं तो आपको क्लियरेंस ऑर्डर नहीं मिलेगी कल के डिस्कशन में निश्चल नहीं पूछा था शायद और ये पूछा था कि सर मैंने एक्सक्लूसिव लाएस तो ओके मैंने आर्म्स और एमुनेशन लाए तो मैंने गन लाई तो बेटा ओके वो प्रोहि Goods है, अभी संस नहीं मिलता है तो प्रोहिबिटेड गुड्स मीन एनी गुड्स एनी गुड्स द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज विच सब्जेक्ट टू प्रोहिबिशन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ थोड़ा वर्ड्स को समझो इस एक्ट में या कोई भी अदर लॉ में फिर वो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो या फिर यहाँ पे फेमा हो या कोई भी ऐसा नार्कोटिक्स हो नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स कंट्रोल एक्ट हो तो कोई भी ऐसा एक्ट हो जिसमें अगर वो गुड्स को प्रोहिबिशन किया है इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए तो वो केस में वो गुड्स को प्रोहिबिटेड गुड्स माना जाएगा और उसको क्लियरेंस ऑर्डर नहीं मिलती है लेकिन ये सेकेंड पार्ट मत बोल जाना सेकंड पार्ट कहता है बट डज नॉट इंक्लूड्स यानी प्रोहिबिटेड गुड्स में क्या नहीं इंक्लूड होगा uh, तो प्रोहिबिटेड गुड्स में जो नहीं इंक्लूड होगा तो उसका क्लियरेंस इजीली अलाउड है बट डज नॉट इंक्लूड्स एनी सच गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंडीशन सब्जेक्ट टू विच गुड्स आर परमिटेड टू बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड है क्या <coughs> बहुत ही सिंपल भाषा में समझ लो प्रोहिविटेड गुड्स में वो गुड्स कवर नहीं होंगे जिसके ऊपर पहले प्रोहिविशन तो था पर कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो वो इंडिया में इंपोर्टेशन अलाउड है उसको परमिशन मिलती है इंडिया में इंपोर्ट करने का फॉर एग्जाम्पल गन गन वैसे प्रोहिबिटेड गुड्स है लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है गन का लाइसेंस है आर्म्स और एमनेशन का लाइसेंस है या एक्सप्लोजिव का लाइसेंस है तो फिर आपको आपने वो कंडीशन फुलफिल कर दी और आपने अगर वो कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो सिचुएशन में जो है गुड्स यहाँ पे इंडिया में उसका अलाउ किया जाएगा अब वो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं माना जाएगा मेरी बात समझ में आ रहा है तो ऐसे गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स में नहीं आएंगे जिससे रिलेटेड जो कंडीशंस पे वो अलाउड है वो परमिट किए गए हैं वो आपने कंप्लीट कर दी तो फिर वो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं माना जाएगा ओके okay. नेक्स्ट बेटा टाइम पास मत करो गुना निश्चल पूरा ध्यान दो ओके okay, मैं इतने एनर्जी से आपको पढ़ा रहा हूँ इतने ध्यान